फाइनली फ्रेंड, काफ़ी लंबे समय के बाद में पोको ने अपनी एक्स सीरीज़ का स्मार्टफोन पोको X5 प्रो इंडिया एंड ग्लोबल के अंदर लॉन्च कर दिया। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस डिवाइस को आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ रेडमी नोट 12 प्रो डिवाइस के साथ में कि कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। रेडमी नोट 12 प्रो डिवाइस को फ्रेंड काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस भी इस डिवाइस के साथ कैसा रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो सबसे पहले बात करते हैं दोनों डिवाइस के किसी बेट डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 12 प्रो के अंदर ग्लास देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें पोको X5 प्रो की, तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है। तो बैक में डिजाइन आपको रेडमी का अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फ्रेंड बात करें दोनों डिवाइसेस के सेल्फी कैमरे की, तो दोनों के अंदर ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी की जो क्वालिटी है वो दोनों के अंदर आपको एक जैसी ही देखने मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड बात करें दोनों डिवाइसेस की स्क्रीन की, तो आपको 10-bit OLED स्क्रीन विद 120Hz की रिफ्रेश रेट दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाती है। बाद में स्पीकर की बात करें फ्रेंड, तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड बात करें फिंगरप्रिंट की, तो दोनों के अंदर ही आपको ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। पता नहीं यार MI वाले इसको कब रिमूव करेंगे। यहाँ पर 10-bit OLED स्क्रीन देने के बाद में ये लोग ना अभी भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड बात करें दोनों डिवाइसेस की यहाँ पर कैमरा की, तो पोको X5 प्रो डिवाइस के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल HM2 सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। और रेडमी वाले की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिलता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा अपग्रेड ये कि यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, जिससे कि आपका वीडियो स्टेबल बनता है। फोटो क्लिक करते टाइम यदि आपका हाथ थोड़ा बहुत शेक कर जाता है तो ये वहाँ पर काफ़ी अच्छी मदद कर देता है और काफ़ी अच्छी एंड शार्प फोटो आपको ना ये डिवाइस निकाल कर देता है। और इन फ्रेंड रियली मैं बताऊँ इस डिवाइस को जितना मैंने यूज किया कैमरे से रिलेटिव, तो मुझे इस डिवाइस का कैमरा ना वन ऑफ द बेस्ट लगता है। इसका कैमरा जितना मैंने यूज किया, चाहे इसका पोर्ट्रेट हो या आप वीडियोग्राफी करते हो, तो चाहे इसकी वीडियो की स्टेबिलाइजेशन, वो बात अलग है फ्रेंड कि इसका जो स्टेबिलाइजेशन यानी कि OIS 1080p 60fps पे अच्छा वर्क करता है, 4K 30fps पे नॉर्मल वर्क करता है और 1080p 60fps पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। उसके बाद फ्रेंड बात कर दोनों डिवाइसेस की कुछ और रिव्यू की, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट आपको सेम बैटरी देखने को मिलते हैं, चार्जिंग स्पीड भी आपको सेम देखने को मिलते हैं 67W की। और ये फुल चार्ज होने में जो फ्रेंड टाइम ले रहा है ना डिवाइस, ये ले रहा है यहाँ पर 40 से 45 मिनट के आसपास। एंड फ्रेंड आप बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के मेन पॉइंट यानी कि प्रोसेसर की, रेडमी नोट 12 प्रो जो डिवाइस है इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड बात करें यहाँ पर पोको X5 प्रो डिवाइस के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 से काफी ज्यादा इनहांस है। फ्रेंड बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए फाइनल कंक्लूजन की, तब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। Redmi Note 12 Pro की ऑफिशियल प्राइस है 25,000, कार्ड लगा के 23,000 में आपको ये डिवाइस देखने मिल जाता है। वहीं पर बात करें Poco X5 Pro डिवाइस की, तो इसकी प्राइस है 23,000, कार्ड लगाकर आपको 21,000 में ये जो डिवाइस है देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड यदि आपकी मेन रिकॉर्ड है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, तब तो आपको जाना चाहिए Redmi Note 12 Pro डिवाइस के साथ में। एंड यदि आप डिजाइन बेहतर चाहते हो तब आपको इस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद में यदि आपकी मान लीजिए मेन रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस है, तब आपको Poco X5 Pro डिवाइस के अंदर जाना चाहिए। इसकी जो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी कंपेयर टू मीडियाटेक डायमेंसिटी 108 प्रोसेसर के। तो यदि आपकी मेन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है तो आप जा सकते हैं पोको X5 प्रो डिवाइस की तरफ। और यदि आपकी मेन रिकॉर्ड है फोटोग्राफी और नॉर्मल, आपको परफॉर्मेंस नो डाउट इसकी भी अच्छी है लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला। जितने दिन मैंने इस डिवाइस को यूज किया मुझे वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है इस प्राइस के अंदर, चाहे कैमरा क्वालिटी हो, डिजाइन हो या फिर इसकी स्क्रीन की क्वालिटी हो। तो स्क्रीन वगैरह तो सेम है लेकिन मुझे अभी तक इसके अंदर कोई भी ऐसा इश्यू नोटिस नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकूं कि हाँ भाई ये जो डिवाइस है बुरा। सो फ्रेंड यदि आपके मेन रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस, तब आपको पोको X5 प्रो की तरफ जाना चाहिए। और परफॉर्मेंस के साथ में आपको कैमरा क्वालिटी भी बेहतर देखने मिले, तब आपको यहाँ पर जाना चाहिए रेडमी नोट 12 प्रो 5G डिवाइस की तरफ है। उम्मीद है फ्रेंड ये जो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच